का समय है। ये जानबूझ के हमें समय पे नहीं जाने देंगे, ये जाने नहीं देंगे, ये समय काट गए। इनको दोबारा फोन करो, दोबारा वो करो, ये सही है, हम बताएंगे कि हमको नहीं रिपोर्ट करने दिया। चलो हम यहीं से रिपोर्ट करते हैं। एक सेकंड है, डबल नाइन 6 बज गया ना। खुला रहने दीजिए ना, थोड़ा खुला रहने दो, जो खुला रहने दीजिए, हम लोग आइए ना, खुला रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, खुला नहीं, लेकिन अंदर वाला आएगा कैसे बात। नहीं, फोन नहीं उठा रहा है। ये यही था, क्या नाम था गांव का, राजखेड़ा, राजखड़, राजखड़। आपकी प्रति को कॉल कर रहे हैं, का उत्तर नहीं दे रहा है, कृपया कुछ समय पश्चात कॉल करें। ये हम किसको फोन कर रहे थे, हम फोन कर रहे थे यहाँ के पुलिस महकमे में, सीओ विभाग है, रजखड़ गांव है ये सोनभद्र का, और यहाँ पोलिंग है, आज पंचायत इलेक्शन है, वोटिंग डल रही थी, हम यहाँ आए, हम वोटिंग, हमें जहाँ हमें पता है कि वोटिंग कक्ष के भीतर नहीं जाया जाता है, हम सिर्फ इस कंपाउंड के भीतर जाना चाहते थे, क्योंकि हमें यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग जैसे जो ज़रूरी नियम है कोरोना प्रोटोकॉल के, इस महामारी के दौर में हमें उसका पालन होता हुआ नहीं दिखा, तो हम यहाँ तक जाना चाहते थे, हमें नहीं जाने दिया गया, भीतर बहस की गई लेकिन जाने नहीं दिया गया, बहुत सारे कानून पढ़ाए गए, नहीं जाने दिया गया। फिर बहुत बात करने के बाद इन्होंने नंबर दिया है, ये अधिकारी यहाँ पे वंश नारायण यादव जी तैनात हैं, जिन्होंने हमें नहीं जाने दिया, तो उसके बाद उन्होंने एक सीओ साहब का नंबर दिया, काफ़ी वो बकझक के बाद, और फिर उनको हमने फ़ोन मिलाया, तो उनको हमने बताया, सर हम बस ये देखना चाहते हैं कि किस तरीके के प्रोटोकॉल किस तरीके से पालन हो रहे हैं, हम सिर्फ कंपाउंड में जाना चाहते हैं, हम वोटिंग रूम के भीतर थोड़े ना जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अच्छा, तो आप कौन हैं, उन्होंने हमारा पूरा परिचय लिया, उनको पूरा परिचय दिया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा, तो आप देखना चाहती हैं तैयारियों का जायज़ा, मैंने कहा जी, तो उन्होंने कहा कि और आप क्या कर रही हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, मैंने कहा सर हम जो करना हम कर रहे हैं, हम ग्राउंड से रिपोर्ट ही कर रहे हैं, और हम अपने स्तर पर बहुत अच्छी जागरूकता अपने तरफ से लोगों को करने की कोशिश कर रहे हैं, फिलहाल ये जागरूकता का सवाल नहीं है, फिलहाल है कि मुझे बस देखने दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है हम देखते हैं और ये वो। फिर हमने कहा लीजिए आप फ़ोन पर सामने जो अधिकारी हैं उनसे बात कर लीजिए, लेकिन उन्होंने बात नहीं की, और उसके बाद उनका नहीं मैं फ़ोन करूँगा उनको, ठीक है, और उसके बाद हम इंतज़ार करते रहे, उसके बाद इन्होंने हमें जाने नहीं दिया, और इन्होंने ये गेट अभी तक फ़ोन नहीं आया, उन्होंने हमें कहा, फिर हमने दोबारा उनको फ़ोन मिलाया, उन्होंने वो नहीं करने दिया, और फिर ये गेट बंद कर दिया गया, और कहा गया कि अब तो वोटिंग का टाइम ख़त्म हो गया। तो हमारे सामने देखते देखते प्रशासन ने हमको भीतर इसलिए नहीं घुसने दिया उस कंपाउंड में, ताकि हम नहीं देख सकें और हम कैमरे पर दर्ज ना कर सकें कि किस तरीके से इस महामारी की स्थिति में यूपी सरकार, यूपी प्रशासन बेसिक कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करवा रही, जबकि ये खबरें बार बार आ रही हैं सामने कि पंचायत ड्यूटी में शामिल लोगों के संक्रमित होने की, उनके मृत्यु होने की भी खबरें आ रही हैं, और इतनी कई लोगों ने, कई मेडिकल एक्सपर्ट्स ने, हर तमाम संस्थाओं ने इस चीज़ को लेकर अपनी चिंताएं जताई हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें फील्ड पर इन इलाकों में जितनों में हमने देखा वहाँ ये बेसिक प्रोटोकॉल पालन होता हुआ नहीं दिखता है। और इस तरीके से जब आप दिखाने की कोशिश करते हैं तब प्रशासन आपको आपसे बहस करता है, आपको उलझाता है, आपका समय ख़त्म कर दिया जाता है, और आपके देखते देखते ये गेट बंद हो जाता है, लेकिन आप रिपोर्ट नहीं कर पाते। सारा मकसद, पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि वो चीज़ें कैमरे पर दर्ज ना हों। तो ये रजखेड़ा सोनभद्र का, रजखड़ ये सोनभद्र का,
और यहाँ पंचायत इलेक्शन, और आपको हम बार बार बता रहे हैं कि महामारी की स्थिति कितनी गंभीर है, कितनी गंभीर है फील्ड पर। ये रजखड़ ही है सोनभद्र का। आप लोग जो भी पंचायत चुनाव में हिस्सा लेने के लिए आप गए थे, आपको कोरोना की तैयारियों के मद्देनजर प्रशासन कितना चुस्त दिखा? किसी तरह का नहीं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था, और न किसी तरह का जो है यहाँ पर कोरोना से संबंधित न सैनिटाइजर की व्यवस्था थी, और न जो है सोशल मेंटेन किया गया जो है, बल्कि जो है हाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन किया गया, और यहाँ पर जो है धूप में जो है उस तरह की व्यवस्था नहीं थी, ये तरह जो है। आप लोग बताइए अपने अनुभव। आप जिला पंचायत के जो है कैंडिडेट हैं? अच्छा, जिला पंचायत के कैंडिडेट हैं आप, चलिए बताइए नाम क्या है, थोड़ा मास्क ऊपर कर लीजिए। ठीक है, हमारा ही कहना है कि मैं अभी बोलने गया तो प्रशासन जो है वो बोले कि दूर रहिए, ठीक अच्छी बात है, तो हम बोले ऐसा है कि मैं समिति का आदमी, वो नहीं समझते हैं, ठीक ना, तो हम बोले कि एक मीटर दूरी पर रखिए, चुनाव में मैं अभी लगाता हूँ, वो बोल दिए कि नहीं लगाना है। क्या नहीं लगाना? क्योंकि मेरे पास है चुनाव 5 किलो। आप लोग सब थोड़ा दूर दूर खड़े हो जाइए प्लीज, हम मतलब वो तो नहीं कर रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं अपने आप में, ठीक हाँ, जो कि मेरे प्रोजेक्ट में है, हमारे यहाँ है। क्या? हाँ क्या? चुना 5 किलो दूरी पर 1 मीटर मैं रखा हूँ, प्रशासन ने बोला कि नहीं नहीं लगाना, हटाओ, तब पर भी देखा तो बोला कि नहीं आपको नहीं जानता हूँ, ठीक अच्छा अच्छा, तो अभी अभी क्या कर रहा है? नहीं नहीं, दस आदमी हम, अच्छा दस दस आदमी जाओ। हाँ अभी तो वो जो आपने सुना, जो चीज़ें हम पिछले एक गांव में भी गए थे, वहाँ पर कैमरा ऑन होने के साथ प्रशासन थोड़ा हाथ पैर मारता हुआ, थोड़ा सजग होता हुआ दिखता है, लेकिन वो आपको एक जगह तो दिखा पाए हम, क्योंकि वो सड़क के बिल्कुल किनारे था, अगर उन्होंने हमें रोका भी होता तो हम सड़क से ही खड़े होकर सब चीज़ें कवर कर सकते थे, अगर हमको कंपाउंड के भीतर नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि ये जो इलाका है, ये जो इमारत है, ये सड़क से दिख नहीं रही है, तो उन्होंने आप अपना वो हमको दिखाने का मौका ही नहीं दिया। और आपने सुन लिया कि सोशल डिस्टेंसिंग और इन चीज़ों का, किसी को मास्क वगैरह मिला था? मास्क वगैरह वितरित हुआ था? सैनिटाइजेशन था? सैनिटाइजेशन जो छिड़कते में रखते हैं, कोई आपसे कह रहा था कि कितनी दूरी बना के रखी है ये सब? आप लोगों को पता है कि शहरों में कोरोना की कितनी विकट स्थिति है? तो आप लोग अपना ध्यान खुद रखिए, थोड़ा दूर दूर रहिए, आप लोग दूरी रखिए, अपना मास्क पहनिए। चुनाव से भी कोरोना होने की संभावना होगी, बिल्कुल वो कंसर्न तो है ही। आप लोग मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, सफाई का ध्यान रखिए, अपना बचाव कीजिए। जब आप चुनाव कराएंगे तो भीड़ होगा ही, और भीड़ होगा तो ना तो सोशल डिस्टेंस की कोई ख्याल रखा गया है, ना सैनिटाइजर किया गया, ना उनको मास्क दिया गया, और केवल प्रशासन डंडा पीट पीट के दूर भगाती रही है, इसके अलावा कोई काम नहीं किया है प्रशासन। कोरोना इतनी भयावह स्थिति में है, सरकार को यहाँ पर चुनाव करवानी ही नहीं चाहिए थी, चुनाव पर रोक लगा देनी चाहिए थी। आज बंगाल में क्या स्थिति है, हर दूसरा तीसरा बंदा, हर दूसरा और तीसरा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकल कर आ रहा है, चुनाव का ही नतीजा है, तो इस सबको ख्याल में करते हुए चुनाव यहाँ भी नहीं करवानी चाहिए थी। आप लोग इस बात से सहमत हैं? हाँ, सहमत। आप लोग इस बात से सहमत हैं कि चुनाव इस समय में नहीं होना चाहिए? तो ये थी ग्राउंड की स्थिति, ठीक है। आप चीजें इतनी ज्यादा, इतने बड़े राजा में किसी से कहने से कोई फायदा वायदा, इतने बड़े स्तर पर है, हम नागरिकों का भी अपना कर्तव्य है कि हम अपने अपने स्तर पर इस महामारी का को आगे बढ़ने से, जो संक्रमण की श्रृंखला है उसे आगे बढ़ने से रोकें, और साथ में ये प्रशासन जो कि चुनाव करवाता है इस विकट स्थिति में, महामारी के इस इतने ज़्यादा बड़े स्तर पर फैलने के बावजूद ऐसी चीज़ें होती हैं जहां भीड़ इकट्ठा हो रही है, जहां जुटान हो रहा है, वहां एक तो ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए फ़िलहाल ऐसे समय में, लेकिन वो हो रही हैं, और उसमें भी जो ज़रूरी बिल्कुल बुनियादी चीज़ें हैं सुरक्षा से जुड़ी हुई और संक्रमण को रोकने के लिए, उनका भी पालन नहीं किया जाता है, और पूरा जोर पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि कैमरा उसे कैद ना करे, वो कैमरे पर ना आए, वो दर्ज ना हो, वो रिकॉर्ड में ना जाए, ठीक है। तो ये है पुलिस और प्रशासन की स्थिति,
मैं स्वाति और मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी अमितेश, शुक्रिया हमें देखने के लिए।